आप देख रहे हैं मुड़बुश न्यूज, साथी एंकर सलमान सत्ती के साथ मैं हूं नसीम सत्ती। सबसे पहले मुड़बुश हेडलाइन। महकमा अमरासियात की सबसे बड़ी वर्कशॉप टिकटॉक पाकिस्तान में बंद हो गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान पूरे मुल्क में वक्फे से हल्की आंच पर मिरासियों का सोग और रोना धोना मतवके। टिकटॉक जवानी में अपनी मौत आप मर गई। पीटीए की कॉल आई थी, टिकटॉक नहीं रहे। टिकटॉकर्स की बीवियों का रो रो कर बुरा हाल। टिकटॉक बंद होने के शोक में टिकटॉकर्स की बीवियों का घर में 3 दिन टीडे पकाने का ऐलान। खुसरू के घरों में सफेद मातम बिछ गई। टिकटॉक बंद होने की वजह से बेरोजगारी के शिकार एलेक्स बट्टी ने फवारा चौक में सांडे का तेल बेचना शुरू कर दिया। एलेक्स बट्टी का मारूफ टिकटॉकर्स के लिए मुल्क भर में सांडे का तेल बेचने वाली फ्रेंचाइजीज मुफ्त देने की पेशकश। बोले रिकार्ड और अली हैदराबादी का पेशकश कबूल करने के लिए सोचो बचार शुरू। पीटीए का टिकटॉक बैन करने के बाद छड़कियों का गिदर सिंगी के जरिए लड़कियां पटाने का मंसूबा जोर पकड़ने लगा। ब्लैक मार्केट में जैली गिदर सिंगियों की फरोख्त शुरू। हुकूमत का क्रैक डाउन करने का फैसला। सर्दियों में लंडे का सामान इतवार बाजार में आने से पहले जन्नत मिर्जा ने टिकटॉक बैन करवाने का इल्जाम लंडे के संजय दत्त पर लगा दिया। जैली संजय दत्त का जन्नत मिर्जा के 10 मिलियन फॉलोअर्स को दोजख में जाने से बचाने के लिए हुकूमती इकदाम का खैर मकदम। बिलाल बाबा के जवाबी बयान को सुनकर जन्नत मिर्जा पिछले 10 घंटे से कोमा में। अरीम शाह और संदल खटक का टिकटॉक पर पाबंदी का हुकूमती फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। संदल खटक का मुड़बुश न्यूज के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था, अगर लोग शराब को शहद साबित कर सकते हैं तो टिकटॉक की मतली को गैर कानूनी साबित करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अरीम शाह और संदल खटक टिकटॉक को बहाल करने के लिए पुरअज़्म। अगर टिकटॉक से पाबंदी ना हटी तो मैं दम दरूद वाला मौलवी नहीं बल्कि बम बारूद वाला मौलवी बन जाऊंगा। मौलवी उस्मान की धमकी ने पीटीए के उसान खता कर दिए। मौलवी उस्मान का नाम कालेदम अफराद की फहरिस्त में